Brought to you by Howzat. Download the app now. 100वां टेस्ट मैच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 टेस्ट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट। टेस्ट मैच की ढेर सारी बधाइयां। 100वें टेस्ट मैच के लिए उन्हें बहुत बधाई। खेलते हुए देखना मजा आता है। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। विराट को याद रखेंगे टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान देने के लिए। टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट था लेकिन विराट के आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि विराट खुद भी जानते थे कि मैं बल्लेबाजी के तौर पर जब ऑल टाइम ग्रेट्स में आंका जाऊंगा, लोग पूछेंगे टेस्ट क्रिकेट में कितने रन हैं, टेस्ट क्रिकेट में कितने 100 हैं और कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में कितनी जीत है। और एक मज़े की बात यह है, शायद आम लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, जो उन्होंने बैगी ब्लू कैप का रिवाज दोबारा से चलाया, जो 60, 70, 80, 90 के दशक में बैगी ब्लू कैप पहना करते थे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में, वो उसको वापस लेकर आए और उनकी देखा देखी बाकी उन्हें पहनना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को वो ऐसा आयाम दिया जहां पर उन्होंने भारत को कहा ठीक है वाइट बॉल क्रिकेट में आप अच्छा करें लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मुझे हर मैच जीतना है। आई थिंक वो उनकी सबसे बड़ी लेगेसी रहेगी और इसीलिए विराट का 100वां टेस्ट मैच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। तो विराट कोहली को 100 टेस्ट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। किसी भी टेस्ट क्रिकेटर के लिए या क्रिकेटर के लिए 100 टेस्ट के मकाम तक पहुंचना बड़ी बात होती है। और विराट कोहली मेरे शुरू से फेवरेट रहे, जब से वो अंडर 19 के कैप्टन है। और मुझे याद है एक मौके पर पूछा गया था सचिन तेंदुलकर से कि उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। किसी हॉल में यह फंक्शन था और सचिन तेंदुलकर ने विराट के जवाब दिया था कि इस हॉल में ही वो लोग बैठे हुए, दो नाम लिया था, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा को बहुत पीछे छोड़ा और विराट कोहली ने सचिन के बाद एक तरह से जो बैटिंग दिखाई और सचिन की कमी को महसूस नहीं होने दिया, एक बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन खिलाड़ी। तमाम शुभकामनाएं, मैं चाहता हूँ विराट कोहली लगातार खेलते रहें, अच्छा परफॉर्म करते रहें और 100वें टेस्ट में 100 तो उनसे बनता ही है। तो बहुत बहुत मुबारक विराट कोहली। विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच है, ऑल द बेस्ट। 100 में 100 बनाए, उससे बेहतर क्या होगा। विराट कोहली को उनके 100वें टेस्ट मैच की ढेर सारी बधाइयाँ। और बतौर क्रिकेट फैन मेरे लिए तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गर्व से मेरा सीना था वो चौड़ा कर दिया था, जिस तरह से वो अग्रेशन लेके आए मैदान पर। अक्सर हम भारतीय टीमों को देखते थे कि अच्छे खिलाड़ी तो हमेशा रहते हैं लेकिन जो दूसरी टीमों का अग्रेशन होता था उसके सामने थोड़ी सी दबे दबे नज़र आते थे। इस खिलाड़ी ने दिखाया कि हम आपको आप ही की ज़बानी में जवाब दे सकते हैं। और जिस तरह से आज मैं सुनता हूँ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को, इंग्लिश खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की विराट की वैसी तारीफ करते हैं जैसे किसी समय में हम बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की करा करते थे, तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है बतौर भारतीय, बतौर एक क्रिकेट फैन। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018, उस मोमेंट को भूल पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि विराट कोहली ने जब वो ट्रॉफी अपने हाथ में ली थी तो वो अपने आप में अमेजिंग डे, न सिर्फ मेरे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और हम चाहते हैं कि बार बार उस तरह की तस्वीरें रिपीट होती रहें, तो वो मुझे लगता है, हालांकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं लेकिन वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास कल था। देखिए, वैसे तो विराट को हमेशा खेलते हुए देखना मज़ा आता है। विराट जब भी खेलते हैं बस नज़रें जो हैं वो टीवी से नहीं हटती। लेकिन विराट की फर्स्ट सेंचुरी 116 एडिलेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप रिजल्ट की बात मत कीजिए लेकिन विराट ने कमाल धमाल कर दिया था। तो हमें लगता है कि वो जो सेंचुरी थी और फर्स्ट सेंचुरी विराट की, वो अट्रैक्ट करती है, याद रहती है और शायद वो कभी नहीं भूल पाए। मेरा फेवरेट विराट मोमेंट है जब 2012 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी और तब विराट कोहली टीम इंडिया से ड्रॉप आउट होने वाले थे, लेकिन सहवाग के कहने पर एमएस धोनी ने उन्हें एक मौका दिया और उस मौके को विराट ने कैसे बनाया ये पूरी दुनिया ने देखा। उस मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, कैन रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। ये दिखाता है कि वो चुनौतियों का डटकर सामना करना जानते हैं। उन्होंने टीम इंडिया को दुश्मन की आंख में आंख डालकर लड़ना सिखाया है। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया लंबे वक्त तक नंबर वन पोजीशन पर काबिज रही है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम और आज 100वें टेस्ट के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। देखिए, विराट कोहली को लेकर यूं तो तमाम ऐसे लम्हे जिन्हें हम याद करेंगे, 2012 में वो थ्रो जिसमें शतक बनते बनते रह गया था, लेकिन 2014 में मिचेल जॉनसन का इंसिडेंट कोई नहीं भूल सकता, क्या एटीट्यूड निकल कर आया। अब विराट कोहली अपने एटीट्यूड क्लियर रहते हैं, चाहे नंबर वन गेंदबाज रवि अश्विन को बाहर बिठाना हो या उमेश यादव के छक्के मारने पर उनका जश्न मनाना, विराट का एटीट्यूड, उनका स्टाइल उनकी जान रहा है और यही उनके फैंस को उनका दीवाना बना।
100वें टेस्ट मैच के लिए उन्हें बहुत बधाई। उम्मीद है इस बार भी वो इतिहास रचेंगे और अपने फैंस का हौसला और जो इंतजार है उसे खत्म करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए नजर उड़गी विराट कोहली पर, क्योंकि विराट कोहली अब खेलने जा रहे हैं अपना 100वां टेस्ट मैच। हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट उन्हें, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। 2011 वो साल भी आज जहन में है जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे थे, और आज वो जब उतरेंगे मैदान में तो क्या वही उसी तरीके से उनका बल्ला बोलेगा। हम सब दुआ इस बात की करते हैं कि इस बार वो अपना 100 का आंकड़ा पूरा करें 100 विकेट पर। बहुत बहुत बधाई।